हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाने के शौकीन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हांडी सेवई, जिसके लिए मैंने लिया है ये हांडी। मैंने इस हांडी को काफ़ी यूज़ किया है पहले भी। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं हांडी को, तो एक से दो दिन तक पानी में भिगो लें और घी का लेप लगाएं बाहर और अंदर से। तो अब हम गैस को ऑन करेंगे। तो अब हमारी हांडी गर्म हो चुकी है। ये मैंने लिया है 100 ग्राम सिवई। मैं इसमें डालकर इसे भूनूंगी। तो ये देखिए, इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे और इसमें हम देसी 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। अगर आप देसी घी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी सिवैयां गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूंगी। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये मैंने लिया है 1 लीटर गाय का दूध। आप चाहे तो कोई भी मार्केट से दूध ले सकते हैं। अब हम गैस को ऑन करेंगे और दूध को 1 से 2 बार खौलाएंगे। तो ये देखिए, हमारी जो दूध है अब ये बॉयल होने पे है, तो इसे हम हाई फ्लेम पे ही बॉयल करेंगे। तो ये देखिए, हमारी जो दूध है ये बॉयल हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे सिवैयां। और इस तरह से ऐसे पकाएंगे। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 इलायची के दाने। चलाते रहेंगे इस तरह से बीच बीच में। इससे हमारी जो दूध है और चिपकेगी नहीं। तो अब हम ऐड करेंगे 1 बाउल चीनी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप अपने अनुसार कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं मीठा। और इस तरीके से इसे मिला लें। हांडी में बनाने से खाना काफ़ी स्वादिष्ट और सौंधी खुशबू की होती है और हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और हम लो फ्लेम कर देंगे अब। तो ये देखिए, ये जो हमारी सिवैयां हैं ये पक चुकी हैं। हम इस तरीके से इसे स्पून से चेक कर लेंगे, ये सॉफ्ट है। तो अब हम इसे गैस को ऑफ कर देंगे। तो हमारी सिवैयां पक गई हैं, अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के बाद हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए, हमारी सिवैयां अब ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे सर्व करूंगी यहाँ बाउल में। तो देखिए, मैंने सिवैयों को मिट्टी के बाउल में सर्व कर लिया है और इसे बादाम से इस तरीके से गार्निशिंग किया है। इस हांडी सिवई को आप घर में ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ये रेसिपी आपको कैसी बनी। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।